तो स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आज एक बिल्कुल ही नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा स्टॉक है वो है अनुपम फिनसर्व लिमिटेड। बेसिकली दोस्तों ये भी एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी मतलब बहुत ही छोटे लेवल की कंपनी है। देख सकते हैं आप 11 करोड़ का ही इसका मार्केट कैपिटल है। तो बात करेंगे दोस्तों आज इसी के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले इंट्रो फर्स्ट, सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वॉचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्टॉक का नाम तो आपको पता चल ही गया है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 11 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि 11 करोड़ में आप पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकते हैं अगर आपके पास 11 करोड़ रुपए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेंट प्राइस जो है वो 10.40 यानी कि 10.40 रुपए चल रही है। 52 वीक का हाई 16 रुपए और लो जो है वो 6 रुपए के आसपास है। स्टॉक का पी देख सकते हैं काफी सस्ते भाव पर भी अवेलेबल है आपके लिए। 8.65 का पी रेशियो यहाँ पर निकल गया है और बुक वैल्यू देख सकते हैं 11 रुपए के अनके बुक वैल्यू से अंडर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कंसीडर हो जाता है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं डिविडेंड नहीं देती है और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट भी बिल्कुल 0 का 0 है। ग्रोथ आप इसकी देख सकते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले एक सालों में 98.4% यानी कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट इस साल कमाया है, यानी कि 2021 में। 5 सालों के प्रॉफिट के परसेंटेज को देखें तो 5 सालों में 78% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 3 सालों में देखें तो 41% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5.31% के सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों में। रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो 6.75% के है। ईपीएस देख ले 1.21 रुपीज की है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है। फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपको 10 रुपए के देखने को मिल जाती है। डेप्ट टू इक्विटी देख ले तो डेप्ट टू इक्विटी 0.52 है, जो कि अंडर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डेप्ट बहुत ही कम है, 6 करोड़ के आसपास की डेप्ट है। इंडस्ट्री का पी देखें तो 26 के आसपास है और स्टॉक का पी 8.65 यानी कि काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक पीजी रेशियो देखें तो जिसको हम लोग पैग रेशियो भी कहते हैं, तो पैग रेशियो 0.11 की है, काफी अंडर वैल्यूड है दोस्तों, काफी अंडर वैल्यूड। और ये प्योटोस की स्कोर आप देख सकते हैं 7 के आसपास ये फिलहाल अभी है, जो कि ये भी काफी एक अच्छा साइन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों से आप देख सकते हैं लगातार इसके प्रॉफिट में क्या जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको भारी इसमें गिरावट नहीं बल्कि गिरावट का जो उल्टा होता है अपोजिट वो देखने को मिल जाती है। 1 करोड़ 27 लाख का सफर इसने तय किया हुआ यहाँ पे प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट तो बेसिकली दोस्तों काफी अच्छे हैं यहाँ पर। सेल्स भी इसकी काफी अच्छी है, 58 लाख से ये 2.85 करोड़ तक का इसने सफर तय किया हुआ है। और अब देख सकते हैं जल्दी से यहाँ पर बैलेंस शीट देख ले, तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर 6 करोड़ का बस ये डेप्ट दिखेगा, उसके अलावा बाकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है। यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इस साल पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, इससे पिछले साल आपको न्यूट्रल देखने को मिल रहा था, उससे पहले जो है ये नेगेटिव में था। तो ये एक अच्छा साइन है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कंपनी जा रही है। रेशियो एक बार फिर से देख ले तो 13.57 की आपको आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल जाती है। डेटर डेज बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी फिलहाल अपडेटेड नहीं है पिछले 2 सालों से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक इसमें पॉजिटिव साइन देखने को आपको मिलेगा कि 2018 में लगभग 22% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, बट अभी आप देख ले तो जून 2021 में 23% की प्रमोटर्स होल्डिंग हो गई, क्योंकि प्रमोटर्स भी जो है अपने पोजिशन को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों बेसिकली एक थोड़ा सा फंडामेंटल कंपनी का कि कंपनी काफी ज्यादा मजबूत। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अनुपम फिनसर्व का चार्ट है और यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं काफी गिरावट पिछले साल से अभी तक इसमें देखने को मिली है, बल्कि इसके उल्टे में जब आप देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट को काफी ज्यादा इंक्रीज किया, फिर भी इसके शेयर प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिरते हुए दिखे हुए। इसलिए भी आपको इसका जो पैक रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बिल्कुल एकदम आपको लो पर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर से जब इसका मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, मैंने आपको टेलीग्राम पे दे भी दिया था कि आप पोजिशनली से ले सकते हैं, पता नहीं किन लोगों ने लिया या नहीं लिया। खैर यहाँ पर देख सकते हैं इसको एक यहाँ पर 12.37 यानी कि 12.5 रुपए के आसपास का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, जिसके कारण आज ये ऊपर की साइड क्लोज नहीं कर पाया है। एक बार दोस्तों ये 12.5 को निकाल लेता है फिर उसके बाद ये काफी ज्यादा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को इसमें मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये आ चुका है। चारों मूविंग एवरेजेस मतलब 26 डेज के, 50, 100 एंड 200 डेज के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही आकर अब ट्रेड कर रहा है और काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन इसमें देखने को मिला है। दोनों महात्माओं से पूछ लें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें भी काफी जबरदस्त ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, यहाँ पर काफी ज्यादा इसने मुंह ऊपर की तरफ खोल लिए है। RSI भी देख सकते हैं अब ये ओवरबॉट जोन में पहुंच रहा है, 81-82 के आसपास अब ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा देर अगर ये टाइम वेस्ट कर ले तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, उतना देर में RSI जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली
12.5 रुपए के टूटने का वेट करना चाहिए हमें, फिर इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोजीशन आराम से इसमें बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा व्यू अच्छा लगा होगा। आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को व्हाट्सएप पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज, फेसबुक पे सब्सक्राइब वगैरह जो करना है कर लें, एक बार उनसे कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इसमें ट्रेड लें और खुद भी एक बार इस कंपनी को एनालाइज जरूर कर लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताएं, लाइक बटन को तोड़ें और सब्सक्राइब बटन को फुल्ली उड़ा दें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।